बस कर दें, बहुत हो गया है। तुम चुप रहो रुखसाना। भाईजान, सच्चाई यही है कि मैंने अपने बच्चे को बेहोश पड़ा देखा है, वो भी इसकी वजह से। मैं भी कल तक आप ही की तरह इस बच्चे को सपोर्ट करती आई, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि ये बच्चा किसी भी हमदर्दी और तर्ज के काबिल नहीं है। देखिए भाईजान, आप इस घर के बड़े हैं, आपकी कहीं भी हर बात मेरे लिए काबिल एहतराम है, बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन माजरत के साथ मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। इस बच्चे को इस घर से जाना होगा, आज नहीं तो कल। तसल्ली हो गई आपकी? अरे ये क्या नया ड्रामा है सबके सामने? मुझे तो लगता है आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। हाँ, बिना सोचे समझे बोले चले जा रहे थे, बोले चले जा रहे, अब मैं मना कर रही हूं तो मुझे ही चुप करा रहे। बोले ना क्या हुआ था? हाँ, क्या हो गया था आपको? दिमाग बंद हो गया आपका? आपने तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वो तो शुक्र है सायरा नहीं मानी, वरना आपने तो पूरी कोशिश कर ली थी उसको यहां रोकने की। ये तुमने क्या कर दिया रुखसाना? एक मां के दिल में उसी की औलाद के लिए जहर घोल दिया, एक बाप के दिल में उसी के बच्चे के लिए नफरत भर दी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? आपने उन लोगों के लिए मुझ पर हाथ उठाया? खामोश खामोश हो जाओ रुखसाना, वरना ये हाथ दोबारा उठ जाएगा। काश ये काम मैं बहुत पहले कर चुका होता तो ये वक्त नहीं देखना पड़ता। और कान खोल कर सुन लो, मैं जुनैद को इस घर से जाने नहीं दूंगा। ये आपके बस में नहीं है। अच्छा, तो मुझे रोकने की कोशिश तो करो। नहीं नहीं रशीद, नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, खुदा का वास्ता, मैं किसी से कुछ नहीं कहेंगे, अपने बच्चों का ख्याल करें। माफ करो रुखसाना, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ, और ना ही मैं जुनैद पर कोई और जुल्म देख सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। अब यही चाहते हैं ना कि जुनैद ना जाए, तो जुनैद नहीं जाएगा। लेकिन यही बात तो तुम पहले भी कर चुकी हो, लेकिन उस पर जुल्म तो कम नहीं हुए? यकीन करें, देखिए देखिए, अगर आपने जज्बाती होकर अभी किसी से कुछ कह दिया ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर यकीन करें, मुझे आखिरी मौका और दें, आखिरी मौका। दिल तो नहीं मानता कि तुम्हारी बात पर यकीन करूं, लेकिन क्योंकि तुम जिद कर रही हो ना, तो एक आखिरी मौका दिया। जुनैद अगर यहीं इस घर में रहेगा तो मैं भी खामोश रहूंगा, वरना। भाभिया? हाँ, ये सो गया? जी सो गया। अच्छा, तुमसे एक बात करनी थी। क्या बात? वो दरअसल पता नहीं तुम्हें इस बात पे यकीन आए ना आए। ऐसी भी क्या बात है? वो लड़का कह रहा था कि उसने जुनैद को स्टोर रूम में बंद नहीं किया। झूठ बोल रहा है। हो सकता सच बोल रहा हो। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? नहीं नहीं, वो सच भी तो बोल सकता है ना। और मुझे वो अजीजा ने और क्या कहते हैं उसको, ईमान ने बताया है कि वो बच्चा तो बाद में आया था स्टोर रूम के पास। भाभी क्या हो गया आपको?
आप भी बच्चों की बातों पे यकीन कर रही हैं। मैंने खुद उसे स्टोर रूम के बाहर देखा और जुनैद ने भी तो यही बताया है। कमाल की बात करती हो, जुनैद तो स्टोर रूम में बंद था, वो कैसे देख सकता है। अरे छोड़ो भी, ये छोटी मोटी गलत फहमियां हैं। मैं तो कहती हूँ उस बच्चे को वापस ना भेजो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पहले आपने खुद ही कहा कि उस बच्चे को सजा मिलनी चाहिए और अब आप। उस वक्त मैं जज्बाती हो रही थी और अब तुम जज्बाती हो रही हो। अरे बच्चा छोटा है, गलत फहमी है, उसे हम समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप उस बच्चे की तरफदारी क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ, भला मैं क्यों करूंगी तरफदारी। मुझे तो बस उस पर तरस आ रहा था और मैं सोच रही थी कि कहीं उससे ज्यादती ना हो जाए। मेरी मानो तो उसे यहीं पर रोक लो। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाहद ने अब फैसला कर लिया है कि उसे यहाँ नहीं रखना। हाँ तो तुम समझाने की कोशिश करो ना। भाभी कोई फायदा नहीं है बात करने का, फाहद मेरी बात नहीं मानेंगे। अब उन्होंने कह दिया है कि ये बच्चा कल चला जाएगा तो चला जाएगा, अब कोई फायदा नहीं। अच्छा मैं सोच रही थी आखिर एक बार कोशिश कर लेती। तुमने जरा भी अच्छा नहीं किया जुनैद, उस वक्त मुझे क्यों छोड़ के चले गए तुम? मैंने तो कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुमने मना कर दिया। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ जुनैद, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा है। पर यहाँ पे मेरे लिए सब बुरा है। तुम लोग साना आंटी की वजह से जा रहे हो ना? नहीं, सायरा आंटी ने मुझ पे हाथ उठाया है, वो मुझे झूठा समझती है। लेकिन तुम तो सबके लिए अच्छा चाहते हो ना? कोई मुझ पर यकीन नहीं करता, सबको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कल जा रहा हूँ महक, तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी जुनैद। मुझे भी, फिर हम फोन पे बात किया करेंगे। ठीक है। सायरा के तो बस में कुछ भी नहीं है। तो अब क्या सोचा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले उस मनहूस को कोई भेजने को तैयार नहीं था, अब उसे को रखने को तैयार नहीं है। ये सब तुम्हारी गलतियों की वजह से हुआ है। तुम ही ने उनके दिलों में नफरत भरी है जुनैद के लिए। गलती हो गई मुझसे, लेकिन इस गलती का अजाला तो करना पड़ेगा। और हाँ रोसाना, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ भी करो रुखसाना, लेकिन जुनैद को यहां रोको। क्या बात है, आज सब बड़े चुप चुप हैं। सारे उस बच्चे का सामान पैक करा दो, मेरी स्टेशन मास्टर से बात होगी, वो कल आके ले जाएगा उसे। ठीक है। सोच रही थी अगर उस बच्चे को एक मौका और दे देते तो। भाभी ये बात आप कह रही हैं, जबकि उस बच्चे ने सबसे ज्यादा परेशान भी आप ही को की है। हाँ लेकिन बच्चों की बात को क्या संजीदगी से लेना। भाभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उस बच्चे को इस घर में रोकना चाहती हैं? हाँ मेरा मतलब है यही समझ लो। मगर क्यों भाभी, उसे रोकने की कोई वजह भी तो हो ना, कोई जवाब भी तो हो। आप देखो ना, इस वजह से महक और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे।
I'm sorry भाभी, लेकिन ये कोई वजह नहीं है। महक अब उसके बिना रह सकती है, वो सब में बहुत अच्छे से घुल मिल गई है। हाँ हाँ ये भी है, अब हम तुम्हारे बड़े हैं, कह रहे हैं तो हमारी इज्जत ही रख लो। भाभी कैसी बातें कर रही हैं, आप बड़े हैं मेरे, आप दोनों की इज्जत सर आंखों पे सबसे बढ़कर है मेरे लिए। लेकिन इस मामले में मैं फैसला कर चुका हूं और आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि वो स्टेशन मास्टर के यहां ज्यादा अच्छे से रहेगा। पानी प्लीज। क्या बात है जुनैद, क्यों रो रहे हो? मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन तुम मम्मी पापा के पास भी चले जाओगे। क्या सच में? हाँ मेरी जान। जुनैद अब तक तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन अब जो करने जा रहा हूं ना, देखना आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ इंशाल्लाह। और हाँ एक बात याद रखिएगा, तो आपके ताया अबू बुरे आदमी नहीं थे। हाँ ताया अबू आप बहुत अच्छे। बस बेटा फिर इन्हीं लफ्जों में मुझे हमेशा याद रखना। और हाँ अब आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। नहीं ताया अबू मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? मुझे मास्टर अंकल के पास जाना है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरा वादा है मेरी जान, यहाँ भी सब लोग आपका ख्याल रखेंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तकलीफ नहीं पहुँच जाएगा। ताया अबू मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दे। और मैं भी हाथ जोड़ता हूँ जुनैद, यही रहो मेरी नजरों के सामने मेरी खातिर। शाबाश। ये क्या कर रही हो? जा रही हूँ यहाँ से। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन कहाँ? आपको इससे क्या, जहाँ मर्जी जाऊँ मैं, आपको तो बस उस मनहूस की फिक्र है ना, उसी की फिक्र करें। अपने बच्चों की आपको कोई परवाह नहीं है, वो दर बदर हो, लोगों के टुकड़ों पर पड़े, आपको इससे क्या? इस सब का इल्जाम मुझे मत तो रुखसाना। क्यों ना इल्जाम दूं आपको? हाँ क्यों ना इल्जाम दूं? जब सारे लोगों को आप हकीकत बताएंगे तो क्या होगा, आपके बच्चे बर्बाद होंगे ना, पता है ना ये आपको। लेकिन मैंने मौका तो दिया है तुम्हें, अगर जुनैद यहाँ रुकता है तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। हाँ आपने मौका दिया और मैंने पूरी कोशिश की, नहीं रोक सकी मैं उसे। हाँ मैं चली जाऊँ ना, कासिम को लेकर फिर बताइएगा, जिसको दिल चाहता है जाके बता दीजिएगा। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, मेरी इजाजत के बगैर कासिम कहीं नहीं जाएगा। हाँ हाँ ठीक है रख लें, आपके साथ जाए या मेरे साथ जाए, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, उसका मुस्तकबिल तो बर्बाद हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसे सच्चाई पता चलेगी ना तो नफरत करेगा आपसे, मेरी बात याद रखिएगा। आपको तो बस उस मनहूस की फिक्र है ना, उसी की फिक्र करें। अपने बच्चों की आपको कोई परवाह नहीं है, वो दर बदर हो, लोगों के टुकड़ों पर पड़े, आपको इससे क्या? अरे भाईजान आइए ना बैठिए। फहद वो? जी भाईजान। नहीं वो मैं कह रहा था कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं, मैं बस अभी आता हूं। जी भाईजान ठीक है।
ये रशीद कहाँ है, अभी तक नहीं आए। क्यों ना इल्जाम दो, जब सारे लोगों को आप हकीकत बताएंगे तो क्या होगा, आपके बच्चे बर्बाद होंगे ना, पता है ना ये आपको। आपके साथ जाए या मेरे साथ जाए, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, उसका मुस्तकबिल तो बर्बाद हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तो सच्चाई पता चलेगी ना तो नफरत करेगा आपसे, मेरी बात याद रखिएगा। रशीद यहां बैठे क्या कर रहे हैं, आपने बता दिया सब कुछ? बताने की कोशिश तो बड़ी की लेकिन हिम्मत नहीं हुई। शुक्र है, मैं तो सोच रही थी आप बता चुके होंगे। पूरी रात यहां बैठकर हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जाकर उन्हें सब कुछ सच सच बताऊं, लेकिन नाकाम रहा। मैंने आपको कितना समझाया है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो जैसा है उसे वैसे ही चलने दें। नहीं रुखसाना, नहीं। देखिए, वो जुनैद यहाँ से जाना चाहता है, आप उसे क्यों रोकने बेतुले में? आप चाहते हैं ना वो खुश रहे, वो मास्टर के पास खुश रहेगा और फिर आपको भी तसल्ली रहेगी कि वो कहाँ है। उस बच्चे के नसीब में यही है, उसे बदलने की कोशिश ना करें वरना आपके अपने बच्चे का नसीब बिखर जाएगा। दरअसल मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना पड़ गया, लेकिन उस बात ने अभी तक मुझे परेशान किया हुआ। कौन सी बात? वही, जुनैद की ताई अम्मा कौन है? अगर एक बार मुझे देखिए मास्टर साहब, वो एक बचकाना बात थी और इस तरह की फजूल की बातों में अगर हम टाइम ना वेस्ट करें तो बेहतर होगा। मैं तो बस ऐसे ही। देखिए मास्टर साहब, आपको जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है ना, बेहतर है कि हम उसी बारे में बात करें, बेहतर होगा। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बहन से कुछ पूछ सकता हूँ। जी आप जो भी चाहें पूछ सकते हैं मुझसे। ये वही बच्चा है जिसको आपने खुद यहाँ जिद करके रोका था, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था आपने, और आज आप यहां खुद से जाने का बोल रही हैं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि उस बच्चे को मैंने बहुत ही मासूम समझा, लेकिन उसने तो मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। क्या बात कर रही हैं? जी हाँ, सही सुना आपने, और यही वजह है कि हमने उसे वापस भेजने का फैसला किया। 7 साल का बच्चा जिसको मौत का मतलब नहीं मालूम, किसी दूसरे मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकता है? आप फिर सोचिए, मुझे लगता है आप लोगों से कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हो रही है। देखिए मास्टर साहब, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बस हम चाहते हैं कि वो बच्चा यहां से चला जाए। तो आप क्या लिखोगे, आप किसका लिखोगे? देखो 3103 लिखो। स्टेशन मास्टर जुनैद को लेने आ गए, फहद और सारा भी उसने भेजेंगे। हाँ तो ठीक है, जाने देना, आपको क्या परेशानी है? मैं जुनैद को यहाँ से नहीं जाने दूंगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या करना चाहते हैं? हिम्मत है आप में हकीकत बताने की? तुम सही कहती हो, सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता जरूर है। क्या? स्टेशन मास्टर के सामने चला जाऊंगा,
वो मुझे पहचान लेंगे और हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आप पागल हो गए? कुछ अंदाजा है आपको किसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमें? और मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं। आप हमारी जिंदगी उनके साथ ये नहीं कर सकते। लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको नहीं जाने दूंगी किसी कीमत पर भी। ठीक है, ना फिक्र नहीं करें, वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे यहां से लेके जा रहा हूं। जी प्लीज। और मास्टर साहब जरा नजर रखिएगा उस पर, ये ना कि वो फिर यहां पे आ जाए। जी अब वो यहां नहीं आएगा, आप लोग फिक्र नहीं करना। मास्टर फिक्र? जी मेरे बच्चे, ये वही बच्चा है। ये जो खुद यहां पे रहने के लिए आया था और आज यहां पर ये एक लम्हा भी रुकने को तैयार नहीं। बुरा इस बच्चे में नहीं, आप लोगों के दिलों में। मास्टर साहब आप मेरे घर में बैठे हुए मेहमान हैं मेरे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे और मैं चुप करके सुन लूंगा। फहद प्लीज। माफी चाहता हूं। आओ बेटा। हाथ छोड़ो रुखसाना। आपको मेरी बेटी की कसम है, कासिम की जिंदगी की कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो रुखसाना। मुझे रोकने के लिए कम से कम मेरी औलाद को तो मेरे पांव की बेड़िया मत बनाओ। कैसे बाप है आप? अपने बच्चे का मुस्तकबिल तारीख करना चाहते हैं? वो खुशियां जो अभी उसे मिली नहीं है उसे छीन लेना चाहते हैं? उसकी झोली कांटों और तकलीफों से भर देना चाहते हैं? कैसी माँ हो तुम? तुमने हमेशा कासिम का नाम लेकर मेरे इरादों को कमजोर करने की कोशिश की है। छोटे से हो और इतनी प्यारी बातें करते हो। क्या नाम है तुम्हारा? जुनैद। जुनैद, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? पता नहीं, नहीं ढूंढने गए थे। क्या मतलब वो नहीं ढूंढ रहे हैं? कहाँ है वो? हम उन्हीं के पास जाए थे पर मेरी ताई भी उसे लेकर ही नहीं गई, वो मुझे छोड़ गई। छोड़कर चली गई? ताई अम्मी तो बहुत बुरी हैं। तुम अब कैसे जाओगे अपने माँ बाप के पास? हम सर मुझे लेकर जाएंगे। सोचा था ना कभी पर आई है ये जिंदगी, ममता तड़पती रही, वो कीमत चुकानी। जुनैद को तुमने यहां से भेज दिया? जी भाईजान। बहुत बड़ी गलती की है तुमने ज़ायरा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब कहने को क्या बचा? मैंने उसे खुद यहां से नहीं भेजा, वो अपनी हरकतों की वजह से यहां से गया। फिर भी बहुत पछताओगी तुम ज़ायरा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाईजान? हकीकत बता रहा हूं, तुमने उसे यहां से भेजकर सिर्फ अपना नुकसान किया। मेरा नुकसान? आप कहना क्या चाहते हैं भाईजान, प्लीज मुझे बताइए। कुछ भी नहीं,
नहीं बीबी जी, किसी ने नहीं रोका। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे एक बात है बीबी जी, जब से ये बच्चा गया है ना, दिल कुछ अजीब सा ही हो रहा है। मुझे तो अफसोस हो रहा है उस पर। ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। ठीक है। यादा तेरा शुक्र है, मैं तो समझी थी आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस मलहूस ने यहां आकर मेरी जिंदगी अजाब में डाल दी थी। अब तो ना वो यहां कभी आएगा और ना ही कोई उसे यहां लेकर आएगा। शुक्र है जान छूटी। अब मैं अपने बच्चे के साथ सुकून से यहां रहूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा इस घर का अकलौता वारिस। आधी रात हो गई है और उनकी कोई खबर नहीं, पता नहीं कहां चले गए हैं। उन्होंने भी सोच लिया है कि मुझे किसी पल सुकून में नहीं रहने देंगे। फोन तो उठा लें, कहां हैं आप? अब क्या करूं? फहद से जाकर कहती हूं? नहीं नहीं, फहद से बात करना ठीक नहीं होगा। बहुत पछताओगी तुम सायरा, तुमने उसे यहां से भेजकर सिर्फ अपना नुकसान किया। क्या बात है सायरा, सोनू ने अभी तक नहीं? कुछ नहीं, बस ऐसे। उसके बारे में सोच रही हो ना? अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे पता है कि तुम उसके बारे में सोच रही हो, पर रात को जागने का मतलब तो शाबाश, सोने की कोशिश करो, रात बहुत हो गई। कब लेट हो? सोने लगो यार, सुबह जल्दी जाना है। शुक्र है आप आ गए। कहां थे आप, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या कहूं तुमसे, क्या तुम मेरी तकलीफ दूर कर सकोगी? अरे मैं आपके लिए परेशान हो रही हूं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो और क्या चाहती हो, कि मैं हंसू खुश हूं कि उस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सका? अरे छोड़े ना, अब फिर वो बातें लेकर बैठ गए, दफा करें। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं रात भर कहां था? हाँ। तो फिर सुनो, सड़कों पर भटक रहा था, एक पल चैन पाने के लिए सुकून की जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं। और फिर दिल ने कहा कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर जुनैद का क्या होगा? आप क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप थके हुए, आप थोड़ा आराम कर लें। हाँ मैं थक गया हूं, बाकी रुखसाना बहुत थक गया हूं। अपने वजूद का वजन अब बर्दाश्त नहीं होता। आप आराम कर लें, आप थोड़ी देर सो जाएं, सब ठीक हो जाएगा।
आ रही हूं। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो। वजाहत, आप इसे वापस लेकर आ गए? जी, ये अब यहीं रहेगा। अच्छा, तो आप इसे वापस लाने के लिए गए थे? आपने मुझसे झूठ बोला कि आप किसी काम के सिलसिले में गए। अगर मैं आपको पहले बता देता तो क्या आप मुझे जाने देते? लाजमी सी बात है, यहाँ आपका अपना बच्चा इतना बीमार पड़ा हुआ है और आप इसे लेने के लिए चले गए। मेरे पास वक्त नहीं था और इस बच्चे का वहां जाना बहुत जरूरी था। अरे वो लोग तो इसे एक दिन भी वहां रखने को तैयार नहीं। वाह, वो अमीर लोग इसका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है और आप इसे उठा के यहाँ ले आए। आप खुद देख ले वजाहत, कोई भी इसे रखने के लिए तैयार नहीं है। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? खौफे खुदा नहीं है आपके दिल में? मेरी आपसे गुजारिश है, आपने जो पहले किया उसे दोबारा मत दोहराइएगा। ये बच्चा पहले ही बहुत तकलीफें सह चुका है। आप दोबारा इसकी तकलीफ का सबब मत बनिएगा। लेकिन वजह, बस मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। अपनी तहकीक का एहसास तो जानवर भी करते हैं, इंसान तो वो होता है जो दूसरों के दर्द को भी समझे। पता नहीं कहाँ रह गया ड्राइवर, अभी तक नहीं आया। पता भी है कि जुनैद को स्कूल ड्रॉप करना है। जरीना जी। बेगम साहबा। जरीना, ड्राइवर नहीं आया अभी तक? वो तो जी साहब को ऑफिस छोड़ने गया, अभी तक नहीं आया। हाँ, ऑफिस छोड़ने गया था लेकिन अभी तक नहीं आया वापस। जाओ जरा देखो, आए तो मुझे बताना। जी मैं देखती हूँ। क्या हुआ है, परेशानी क्या है? भाभी, जुनैद को स्कूल से देर हो रही है और ड्राइवर अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ तो उसे फोन करो ना। फोन किया था, कह रहा था कि रास्ते में है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ड्राइवर आ गया है। अच्छा मैं इसे छोड़ आती हूँ, मैंने मार्केट भी जाना है, कुछ सामान भी ले आऊंगी, तुम चलोगी साथ? नहीं भाभी, मुझे तो फौजिया के घर जाना है, वरना मैं इसे खुद छोड़ आती। थैंक यू भाभी, आ जाओ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कासिम, देखिए आप अंदर नहीं आ सकते, प्लीज आप यहीं रहिए। नहीं लेकिन मेरा बच्चा। हेलो, क्या बात है भाभी, आप रो क्यों रही हैं? क्या जुनैद का एक्सीडेंट हो गया है?